तो ये देखिए, अब आपको बताते हैं कि जो पहले कभी नहीं हुआ शायद इस बार देखने को मिल सकता है। जी हां, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेंगे तो लड़ाई दिलचस्प होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन एनडीए ने सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली। मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा भी कर दिया, लेकिन अब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भले ही केंद्र में एनडीए की सरकार हो, लेकिन बीजेपी स्पीकर पद को लेकर झुकने वाली नहीं है और स्पीकर पद अपने पास ही रखेगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर बीजेपी ने थोड़ा नरम रुख अपनाया है और वो डिप्टी स्पीकर का पद अपनी सहयोगी पार्टी को दे सकती है। इसके लिए बीजेपी आला कमान ने सहयोगी दलों से बातचीत का रास्ता अपनाया है। बीजेपी आला कमान ने सहयोगी दलों से चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कमान सौंपी है। स्पीकर पद को लेकर दो दिनों में बीजेपी की दो बड़ी बैठकें हो चुकी है। सोमवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू समेत कई नेता शामिल हुए। इधर लोकसभा स्पीकर पद के लिए नामों को लेकर मंथन जारी है, तो उधर एनडी गठबंधन भी स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारने का मूड बना रहा है। विपक्ष का कहना है अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही होता है, लेकिन पिछली लोकसभा में ये पद खाली था। ऐसे में अगर ये समीकरण बनता है तो पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव दिलचस्प होगा। स्पीकर पद पर बीजेपी झुकती नहीं दिख रही है, विपक्ष भी आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या होता है। हालांकि 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें 24 और 25 जून को नव निर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं 26 जून को पीएम मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। ऐसे में अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। ऐसे में एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर बारी बारी से नामों का प्रस्ताव रखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी कराई जाएगी और जिस उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव मंजूर होगा उसे स्पीकर का पद मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए जी, बिल्कुल देखिए शिखा, लगातार हम बता रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस एनडी स्पीकर पद को लेकर जमकर राजनीति होते हुए भी नजर आई थी। बीजेपी की बात करें, स्पीकर पद अपने पास बीजेपी उम्मीदवार रखेगी और इसके अलावा आईएनए स्पीकर पद के लिए उतार सकता है, ये भी तमाम बड़ी बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी डिप्टी स्पीकर पर बीजेपी का नरम रुख है, क्योंकि बीजेपी जो स्पीकर का पद है वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो है अपने गठबंधन साथियों को देना चाहती है। वहीं इंडी की अगर बात करें तो देखिए इंडी जो है सियासत इस पर कर रहा है महिमा। बिल्कुल, बीजेपी की बात करें, सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर पद दे सकते हैं ऐसी संभावनाएं बन रही है, लेकिन आईएनए गठबंधन की बात करें तो पद ना मिला स्पीकर का पद का वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी तमाम चर्चाएं शिखा इस वक्त होते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि अब स्पीकर के पद को लेकर भी यहां पर सियासत हो रही है। बीजेपी उस पद को अपने पास रखना चाहती है, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपने गठबंधन साथियों को देना चाहते हैं, सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर पद को लेकर लड़वाना चाहते हैं। वहीं इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो पद नहीं मिला तो स्पीकर का चुनाव हो, इंडी गठबंधन चाहता है। बिल्कुल, देखिए स्पीकर पद पर मंथन लगातार किया जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखाते हैं, उसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है। तो स्पीकर पद पर मंथन लगातार जारी है, भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि आईएनडीआई गठबंधन भी फिलहाल अपने उम्मीदवार को यहां पर उतार सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहां पर देखा कि आईएनडीआई गठबंधन ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आया था कि अब की बार
बार सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, इस अब की बार उनके साथ टीडीपी भी है, उनके साथ नीतीश कुमार भी है, इसलिए तालमेल यहां पर बिठाना होगा। फिलहाल ये खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद अपने पास रख सकती है, डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो किसी दूसरे दल को दे सकती है। लेकिन ये भी खबर मिल रही है कि विपक्षी गठबंधन जो कि आई इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन है, अगर उनको डेप्यूटी स्पीकर पद नहीं मिलता तो वो स्पीकर पद के लिए आगे आ सकती है। तो तमाम चर्चाएं इस वक्त हो रही है और कुछ तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा भी रहा है, जिसके जरिए आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि आखिर इस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि जल्द ही स्पीकर पद पर कौन आसीन होता है, कौन बैठता है, ये सामने आ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी और आई इंडिया गठबंधन में रार देखने को मिल रही है।